दोस्तों नमस्कार, हमारे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है हेमंत कुमार और आप देख रहे हैं फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल। दोस्तों अगर आप इंटरनेट, एंड्रॉयड मोबाइल और कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स लेना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को यहां से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते समय क्या आपने कभी सोचा है कि इसे हैक भी किया जा सकता है? जी हाँ, ये बिल्कुल संभव है। स्मार्टफोन और सोशल मीडिया अकाउंट की तरह आपका वाईफाई नेटवर्क भी हैक हो सकता है। दरअसल हम अपने घरों में वाईफाई राउटर की मदद से वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में अगर आपके राउटर में सिक्योरिटी के सही फीचर्स नहीं है या आपने आसान पासवर्ड का इस्तेमाल किया, जैसे कि मान लीजिए 1234 या आपका मोबाइल नंबर या आपका नाम, तो आपका वाईफाई आसानी से हैक हो सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि ज़्यादातर यूजर्स को पता नहीं होता है कि उनके वाईफाई को किसने हैक कर लिया है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आपका वाईफाई हैक तो नहीं हो गया है। अगर आपका वाईफाई नेटवर्क अचानक से स्लो हो गया है तो इसका एक कारण इसका हैक हो जाना भी हो सकता है। दरअसल अगर आपके वाईफाई नेटवर्क का कोई इस्तेमाल कर रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस पर लोड बढ़ेगा, जिससे उसकी स्पीड में कमी आ जाएगी। अगर आपके वाईफाई डाटा का खपत अचानक से बढ़ जाए तो इसका मतलब है कि आपके वाईफाई नेटवर्क का कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है। उदाहरण के लिए मान के चलते हैं कि अगर आप महीने का डाटा 60 GB यूज करते हैं और अचानक से वो बढ़कर 100 GB हो जाता है या इससे ज्यादा हो जाता है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपके नेटवर्क का कोई और भी इस्तेमाल कर रहा है। आप वाईफाई की सेटिंग्स में जाकर पता लगा सकते हैं कि आपके नेटवर्क पर कितने डिवाइस कनेक्ट हैं। ऐसे में आपके या आपके घर वालों के डिवाइस के अलावा कोई दूसरा डिवाइस दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि कोई आपके वाईफाई नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहा है। अगर आप अपने वाईफाई राउटर की सेटिंग्स के लिए लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि किसी ने आपकी सेटिंग के साथ छेड़छाड़ कर दी है। ऐसे में अपने राउटर को तुरंत रीसेट कर दें। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और हमारे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे फुल टेक टिप्स इन हिंदी चैनल के साथ। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।